सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एंड वाईफाई स्टडी यूपीएससी। सो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। उम्मीदों का कारवा आगे लेकर बढ़ते हुए आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, उनसे एसोसिएटेड जितनी भी रिवर्स है, वहाँ का क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के स्पेसीज के बारे में, सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सब लोग कनेक्ट हो जाइए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि ये डिस्कशन हम स्टार्ट कर सके। सो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहाँ पर आप डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस सब कुछ एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर जो आपका यूपीएससी उम्मीद 2021 के नाम से जो कोर्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके माध्यम से आप डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं और अपनी दिशा तय कर सकते हैं मेंस के लिए और फर्दर इंटरव्यू के लिए। तो सभी लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइएगा। मीनाक्षी गौतम, वेरी गुड इवनिंग। एंड सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग मैक्सिमम इससे कनेक्ट हो पाए और मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट यहाँ पर ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल और केवल 6 महीने से भी कम का समय बचा है। 27 जून को आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को और सुदृढ़ बनाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। काफी सारे बैचेस यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी प्लस पर लॉन्च हो चुके हैं, जहां पर आप मेरा रेफरल कोड AKZN यूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर यहां पर बना सके। तो सब लोग बेसिकली यहां पर शेयर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। तो यहां पर मेरा रेफरल कोड नीचे गिवन है, इसका यूज आप यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में। तो डायरेक्टली टू द पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। जो आपके संरक्षित क्षेत्र होते हैं या प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। महेंद्र, हेलो। मीनाक्षी गौतम सर जी, आप कितना हार्ड वर्क करते हो, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। संगीता कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। आमीन, वेरी गुड इवनिंग। मीनाक्षी, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के सहयोग से ही बेसिकली ये सब कुछ संभव हो पाता है। एंड आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन को काफी आसान बनाया जा सके, ठीक है। चलिए, आई थिंक सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू द पॉइंट अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो प्रोटेक्टेड एरियाज आपके होते हैं, ध्यान रखना, प्रोटेक्टेड एरिया जिसको आप बोलते हो संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आपके नेशनल पार्क्स, आपके सेंचुरीज, आपके कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब आपके प्रोटेक्टेड एरियाज के पार्ट माने जाते हैं। अब देखो, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूं पहले। अब देखो, यहां पर आपको ये पता होगा कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, बट जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, यूपीएससी के अंदर जो जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको एक बार कवर अप करते हैं। थोड़ा सा बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जितने भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, चाहे नेशनल पार्क आप पढ़ रहे हो, चाहे टाइगर रिजर्व आप पढ़ रहे हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप पढ़ रहे हो, ध्यान रखना ये सब के सब इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। आपने इन सीटू और एक्स सीटू का नाम सुना होगा। इन सीटू का मतलब होता है जहां पर सारी की सारी चीजें नेचुरल एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल नहीं चलेगा। एक्स सीटू का मतलब होता है जो चीज आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। जैसे आपने कोई एक्वेरियम बना दिया, उसके अंदर बेसिकली आप फिश प्रोडक्शन कर रहे हो। इन सीटू का मतलब जो नेचुरल आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल ब्रीडिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, जबकि एक्स सीटू के अंदर आपको आर्टिफिशियल चीजें देखने को मिलेगी। तो एक लाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, ये इन सीटू कंजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, इनको डिफाइन किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उनके तहत बेसिकली सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। आमीन, राधिका, गुड इवनिंग। तेजपाल वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, निशा सिंह, वेरी गुड इवनिंग। राधिका बोल रही है सैल्यूट। ओके, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी, आप सब लोगों को इतना डेडिकेशन, क्योंकि मेरा डेडिकेशन नहीं, आप लोगों का डेडिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर हर एक क्लास को काफी सिंसियरली आप फॉलो कर रहे हो, तो ये आप लोगों का डेडिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है, उतना ही मेहनत आप लोग कर रहे हैं। दैट्स वाई दोनों का सिंक्रोनाइजेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे, प्रोटेक्टेड एरियाज को जिस एक्ट के थ्रू डिफाइन किया गया है, वो है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनको डिफाइन किया गया है। अगर आप देखोगे प्रोटेक्टेड एरिया, पूरा का पूरा भारत का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका लगभग 4.92% भूभाग पर आपको
प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिलेंगे, जिसमें नेशनल पार्क भी आ गया, सेंचुरीज भी आ गई, कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व भी आ गए, या टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यूपीएससी आपसे पूछेगा। ये सारा का सारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 या जो फर्दर 2022 के अंदर अपीयर होने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती है प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, कौन से एक्ट के थ्रू देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, कितना प्रतिशत पार्ट, लगभग 4.92% पार्ट। ये एग्जांपल है इन सीटू कंजर्वेशन का, जहां पर सारी की सारी चीजें नेचुरल देखने को मिलेगी, यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं है। आपने देखा होगा बॉटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, वो एक्सीटू कंजर्वेशन है, क्योंकि वहां आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। छोटे छोटे एक्वेरियम्स बनाए जाते हैं, वो एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर सारा का सारा नेचुरल एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। एक और लाइन देखने को मिलेगी, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं आते, संरक्षित वनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के डेटा या गवर्नमेंट के आंकड़ों में आपको देखने को मिलते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस पेज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। लगभग पूरे भारत में 105 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अब पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले बात कर रहा था जितने भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसमें पार्क, नेशनल पार्क भी आ रहा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ रही थी, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व भी आ रहे थे, टाइगर रिजर्व भी आ रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली नेशनल पार्क की। भारत में 105 नेशनल पार्क, एरिया कितना, लगभग 1.23%, ठीक है, पूरे भारत का ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका 1.23% आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क्स के अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश के अंदर और अंडमान निकोबार के अंदर, 9 नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में भी 9 है और अंडमान निकोबार के अंदर भी 9 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत के किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दोनों के अंदर 9 नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आगे, महेंद्र वेरी गुड इवनिंग, और भी सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखना यहां से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद आप देखोगे भारत का जो पहला नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा ये बना था 1936 में, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। फिर आप बोलोगे सर हमने तो जिम कॉर्बेट सुना है, इस हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना था 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में, इसको बेसिकली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब नेशनल पार्क के बारे में बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पर्टिकुलर वन बाय वन नेशनल पार्क भी अपन रीड करेंगे, बट उससे पहले क्या क्या क्वेश्चंस नेशनल पार्क से बन सकते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको बता देता हूँ, नेशनल पार्क जो आपका एरिया होता है वो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए, साथ में बेसिकली आपके हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक रिक्रिएशन के लिए बनाया जाता है। आपके नेशनल पार्क के अंदर एक पर्टिकुलरली वहां का इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर होगा, वहां की वनस्पति होगी, वहां पर वन होंगे, ये सारी की सारी चीजें एक नेशनल पार्क के अंदर एसोसिएटेड देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेशनल पार्क को डिक्लेयर कौन करता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो ध्यान रखना नेशनल पार्क को चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिक्लेयर कर सकती है। ध्यान रखना इट कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर आपकी नेशनल पार्क की बाउंड्रीज में कुछ भी परिवर्तन करना हो तो उसके लिए आपको राज्य विधानसभा से संकल्प पत्र पारित करवाना होगा, उसके बिना आप उसकी बाउंड्रीज में चेंज नहीं कर सकते। तो यही लिखा हुआ है, नो अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल पार्क शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लास्ट में स्लाइड आपको ये भी दिखाऊंगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, वो भी अपन यहाँ पर कवर करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला लेने वाला हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब ध्यान रखना पढ़ना कैसे है, ठीक है, जो भी नेशनल पार्क आप देखोगे उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं,
क्या क्या चीजें आपको देखनी है। नेशनल पार्क के अंदर आप देख सकते हो कि उसके आसपास का सबसे पहला कौन सा एरिया, कौन सा स्टेट में है, कौन से एरिया के अंदर पड़ता है, ठीक है, वहां की वनस्पति कैसी है, ठीक है, वहां के एनिमल्स किस किस टाइप के हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली वहां का जितना भी क्लाइमेट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वहां का रिवर सिस्टम क्या है, कौन से रिवर्स आसपास में देखने को मिलेगी, तो इन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला एरिया वाइज अगर आप देखते हो तो आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिलेगा आसाम के अंदर, ठीक है। इसमें भी कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जैसे गोलाघाट, कर्बी आंगलोंग और नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहां पर बेसिकली आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, पहली चीज, ठीक है। यहाँ पर कुछ कमेंट है तेजपाल वर्मा का, मॉडर्न क्लास में है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर अपने डिबेट ना करें, अपना डिस्कशन ना करें, यहाँ पर सारी चीजें ध्यान से सुने जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में देखने को मिलेगा, फोना में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में, ठीक है। दुनिया में जितने भी वन हॉर्न राइनोसोरस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है, जितने भी देखने को मिलेंगे उसका लगभग 2/3 अकेले इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस आपको देखने को मिल रहा है दुनिया के अंदर, इसका जो 2/3 है, अगर टोटल 100 वन हॉर्न राइनोसोरस है तो 67 कम से कम आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर दुनिया के 2/3 से ज्यादा ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप पूरे भारत में टाइगर की डेंसिटी की बात करोगे, डेंसिटी मतलब टाइगर का घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने टाइगर मिलेंगे, तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी भी आपको इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना इस नेशनल पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। निशा ने पूछा है सर हाउ आई गेट दिस नोट्स, ये नोट्स बेसिकली आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे या मेरे अभिषेक जैन सर वाले टेलीग्राम चैनल पर भी आपको डाल दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जैन सर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहां पर ये नोट्स आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद देखो क्या क्या की चीज समझ में आई, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, काजीरंगा के अंदर टाइगर की हाइएस्ट डेंसिटी मिल रही है, काजीरंगा के अंदर एक सिंग वाला जो गेंडा है दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन यहीं पर मिल रही है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये बेसिकली सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है एलिफेंट की पॉपुलेशन के लिए, तो यहाँ पर एलिफेंट भी काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, एलिफेंट का ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता है आपका ये नेशनल पार्क। उसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप की स्पेसीज जैसे वाइल्ड वाटर बफेलो मिलेगा, होग डियर मिलेगा, स्वैम्प डियर मिलेगा, ये सारी की सारी स्पेसीज आपको इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगी ही मिलेगी, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एंडेंजर्ड स्पेसीज में आते हैं डेफिनेटली, काफी सारे स्पीसीज जो आप ये देखोगे वन हॉर्न राइनोसोरस इसका जो आयुसीएन स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा एंडेंजर्ड, यही मैं आपको बताना चाहता था, इसका जो आयुसीएन स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा एंडेंजर्ड। तो क्या क्या ध्यान रहा, आसाम में है दुनिया के 2/3 ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस की पॉपुलेशन इसी नेशनल पार्क में है, इसी नेशनल पार्क के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर मिलेगी, ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, 2006 में इसको टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित किया गया था, ठीक है। कौन सी रिवर के किनारे हैं, यहाँ पर रिवर आपको देखने को मिलेगी ब्रह्मपुत्रा रिवर, कौन सी रिवर के किनारे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा इसको सर्कमस्क्राइब यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा कुछ और रिवर्स यहाँ से निकलती है जैसे कि मोरा धनसरी और दिपलू रिवर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना ये जो आपका नेशनल पार्क है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1985 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। किस नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और ध्यान रखना इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है, इसके द्वारा भी इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर काफी वेराइटी के बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है तो बेसिकली उपजाऊ एल्यूवियल सोइल आपको देखने को मिलेगी, जो बेसिकली इरोजन से यहाँ पर फॉर्म हुई है रिवर ब्रह्मपुत्रा की वजह से, तो यहाँ की मिट्टी आपको एल्यूवियल मिट्टी मिलेगी, फर्टाइल सोइल आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस नेशनल पार्क की लोकेशन आप देख सकते हो,
यहाँ पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क आप देखोगे, ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगी आसाम के अंदर, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से फ्लो होती हुई आपको देखने को मिलेगी, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क से होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काजीरंगा के बारे में सारी चीजें क्लियर है, यस, ये दिखाई हुई पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र का फ्लो भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ पर और भी फेमस नेशनल पार्क जैसे कि ओरांग नेशनल पार्क भी काफी फेमस है, ठीक है। डिब्रू साखोवा नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे नेशनल पार्क है, कभी आपसे यूपीएससी बोल देगा आसाम के 3 नेशनल पार्क दे देगा और बोलेगा इनको वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज कीजिए, आपसे बोल दिया जाएगा पहला ओरांग नेशनल पार्क, दूसरा काजीरंगा, तीसरा डिब्रू साखोवा, और आपसे बोलेगा इनको वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज कीजिए, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1 2 3, 3 2 1, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ तक सबको क्लियर है, सारी चीजें समझ आ रही है, पहले हमने सीखा, वापस से रिवीजन भी करेंगे ताकि आपके माइंड में फिट रहे क्या क्या चीजें यहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा इंडो मलयालम रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन चलते हैं एमपी के काफी फेमस नेशनल पार्क पर जिसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क। सब लोगों ने कान्हा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, ये आपका कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है। उत्तर में नहीं है, मध्य प्रदेश में दक्षिण में आपको नीचे देखने को मिलेगा। आप देखो आसपास की सिटीज से भी आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट झांसी जो आपको नॉर्थ में बेसिकली देखने को मिलेगा, यूपी के साथ बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी, इधर आपका राजस्थान वाला पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपको एमपी में साउथ में देखने को मिलेगा, ताकि आपको कभी अरेंज करने को बोला जाए तो आपको आइडिया रहे कि पूरा नॉर्थ में नहीं है, कहाँ पर ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। यस डेफिनेटली मानस वाला नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, कान्हा नेशनल पार्क काफी फेमस है, इसको कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, वन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है और ध्यान रखना मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ध्यान रखना मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने क्या बोला कि भारत में अगर किसी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है तो वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको 2 सेंचुरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बारहसिंगा के बारे में, ध्यान रखना बारहसिंगा यहाँ का काफी फेमस स्पेसीज है, वो बेसिकली यहाँ के जो पूरा का पूरा टोपोग्राफी है, पूरा का पूरा जियोमोफोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग काफी सुटेबल क्लाइमेट इसको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर, लियोपोर्ड, ठीक है, वाइल्ड डॉग, ये सब तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा ब्लैक बक वगैरह भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, बट बारहसिंगा काफी इंपॉर्टेंट स्पेसीज है आपका कान्हा नेशनल पार्क का, जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। यस कान्हा पर क्वेश्चन आया हुआ है, बारहसिंगा को लेकर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैंने बता दिया फोना का मतलब होता है कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, फोना का मतलब एनिमल्स, क्योंकि ए आ रहा है ना, तो एनिमल्स से ध्यान रखोगे, ठीक है। फ्लोरा का मतलब बेसिकली आपका क्या होगा, फ्लावर, ठीक है। फ्लोरा से नाम से ही पता लग जाता है, फ्लावर मतलब आपके प्लांट स्पेसीज से आप ध्यान रख सकते हो, ये प्लांट पौधों के स्पेसीज है, जानवरों की स्पेसीज आपको देखने को मिलेगी। तो फ्लोरा में इसीलिए मैंने बोला 1000 से ज्यादा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग स्पेसीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जहां पर क्वेश्चन आता है, यहाँ की जनजाति पर, यहाँ पर बेगा ट्राइब मिलती है, ठीक है, जो बेसिकली एक घुमक्कड़ टाइप की जनजाति है, सेंट्रल इंडिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। 28 विलेजेस है जो विद इन द कान्हा नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं 1968 से। तो ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है कान्हा नेशनल पार्क के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आपको यहाँ पर बेगा ट्राइब, इसके अंदर नहीं मतलब बाहर के सराउंडिंग एरियाज के अंदर, यहाँ पर बेगा ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, जो अर्ध घुमंतु जनजाति के नाम से या सेमी नोमेडिक ट्राइब के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना यहाँ पर 2 रिवर वैली सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, एक हेलोन का और एक बंजर का, ठीक है, जो बेसिकली नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसकी टोपोग्राफी देखोगे तो यहाँ पर ग्रासलैंड काफी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, ड्राई डेसिड्यूस, ठीक है, ड्राई डेसिड्यूस, क्योंकि सेंट्रल इंडिया के अंदर आप देखोगे ज्यादातर आपको ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट ही मिलेंगे, और ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे, बड़े बड़े प्लेन्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर साल ट्री वगैरह काफी अधिकता से पाई जाती है, ठीक है।
2020 में आया था, डेफिनेटली 2019 में भी क्वेश्चन था इसका, 2018 में भी ट्राइब्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर साल कभी ट्राइब्स पर, कभी रिवर, रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर, कभी नेशनल पार्क के क्लाइमेट पर। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पर आपको जो फॉरेस्ट मिलेंगे ना, यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती, इसीलिए ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ग्रासलैंड ज्यादा मिलेंगे, सघन जंगल नहीं मिलेंगे, घने जंगल नहीं मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर पूरे के पूरे सेंट्रल वाले पार्ट में जनरली आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कहीं वेट डेसिडियस हो सकते हैं, कहीं ड्राई डेसिडियस आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। और लोकेशन जरूर ध्यान रखना कि आपको साउथ सदर्न डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ एमपी का एक और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिसका नाम है बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ भी काफी फेमस है, तो बांधवगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसका भी मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे कान्हा तो आपको नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बांधवगढ़ आपको सेंट्रल में देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ कहाँ पर देखने को मिलेगा? सेंट्रल के अंदर। इसी के अलावा यहाँ पर पेच नेशनल पार्क है जो आपको ऊपर यहाँ के आसपास लोकेशन में देखने को मिलेगा। तो बांधवगढ़ और कान्हा, बांधवगढ़ ऊपर है, कान्हा नीचे, कम से कम इतना ध्यान रखोगे तो आप रिलोकेट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपसे एमपी के तीन चार नेशनल पार्क दे दिए जाएंगे और आपको वेस्ट टू ईस्ट भी या नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करवाया जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। बांधवगढ़ के बारे में आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो यहाँ की फेमस चीज है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली डेंसिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी अच्छी खासी सेंट्रल इंडिया के अंदर। वन ऑफ द हाईएस्ट, टोटल हाईएस्ट तो नहीं है, बट यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 8 टाइगर मिल जाते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर आप जाओगे तो आपको 8 टाइगर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी डेंसिटी आपको मिलती है नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली काफी सारे माइग्रेटरी स्पेसीज भी देखने को मिलते हैं। सांबर डियर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, बार्किंग डियर देखने को मिल जाएगा, और कल अपने जिसकी बात की, कराकल की बात की थी, इंडियन लेपोर्ड की बात की थी, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको बताया था भारत में लेपोर्ड की पॉपुलेशन में 62% का इजाफा आपको देखने को मिला है, यहाँ पर इंडियन लेपोर्ड भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बांधवगढ़ की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के भी सेंटर पार्ट में देखने को मिलेगा। कान्हा सदन में है, पेच नेशनल पार्क आपको ऊपर नदन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट जिसके बारे में बात की थी, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। और एक चीज सब लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, आप सब लोग साथ में आपके पास एटलस होनी चाहिए। एटलस के अंदर सारी चीजों को लोकेट करेंगे, देखेंगे, जितना ज्यादा एटलस देखोगे उतना ज्यादा इमेजिनेशन बढ़ेगा और एग्जाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चंस का बेनिफिट ले पाओगे। तो उन क्वेश्चंस का बेनिफिट लेने के लिए गोर एक प्रजाति है, डेफिनेटली गोर एक प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपने सही बोला, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क की लोकेशन, इसीलिए दिखा रहा हूं, जैसे आप देखोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। यहाँ पर नंदा देवी पीक भी आपको देखने को मिलेगी, जो नंदा देवी चोटी है जिसकी हाइट है लगभग 7,817 किलोमीटर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको कम से कम लोकेशन से काफी सारी चीजें सॉर्टेड होती हुई देखने को मिलेगी। तो अब जिम कॉर्बेट के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जो बना था आपका 1936 के अंदर, ठीक है, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और बेसिकली जो आपका एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है उसका प्रोटेक्शन भी यहाँ पर काफी फेमस था। ये आपको उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक नेचुरलिस्ट थे जिम कॉर्बेट साहब, उनकी नाम से बेसिकली इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था, ठीक है। और ध्यान रखना, द पार्क वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव जो आया था उसमें बेसिकली ये पार्क था जो सबसे पहले सम्मिलित आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा कि ये पार्क आपको ऊंचाई में, मतलब उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपका नदन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बेसिकली आप फॉरेस्ट देख सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट कितना देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड कितना देखने को मिलेगा, वनस्पति जैसे कि साल के पौधे भी यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। साल भी मिलता है यहाँ पर, रोहिणी का भी मिल जाता है, पीपल का भी मिल जाता है, तो मिक्स टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिक्स टाइप वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पर देखोगे, इस पार्क की ज्योग्राफी, यहाँ पर हिल्स भी देखने को मिलेंगे, रिवराइन बेल्ट्स भी आपको देखने को मिलेगी। देखो
पहाड़ियां भी होंगे, ठीक है, नदियां भी यहां से निकलती है, लेक्स भी आपको देखने को मिलेगी, मार्शी मतलब दलदली भूमि भी देखने को मिलेगी और ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगी। तो इस पार्क के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। ये सब हिमालयन रीजन में लाई करता है और यहाँ पर जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, डेंस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिले, एवरग्रीन नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, एवरग्रीन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी ने पूछा है, ठीक है, कमल ने पूछा था 2020 में आया था, राधिका ने पूछा कि यस हाँ गोर आपका प्रजाति है, ठीक है, गोर है, हिरण की अलग अलग प्रजातियां भी आपको देखने को मिलती है, गोर टाइप से जैसे बारहसिंगा होता है उस टाइप से एक प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। एक रिवर के साथ एडवेंचर भी करने को मिलता है, यस डेफिनेटली यहाँ पर, इसीलिए बोला कि यहाँ पर जितने भी आपके एडवेंचरस स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप जाते होंगे, ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, मसूरी वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर आपको सारे के सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। रिवर राफ्टिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर काफी फेमस देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी जगह पर कौन घूमने जाता है, ठीक है, चलिए अब आप अपने डिबेट ना कीजिए, ठीक है, जहां भी आप जा रहे हैं इट्स गुड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए द पार्क, यहाँ पर दून भी देखने को मिलेगी, दून का मतलब जो आपकी वैलीज बन जाती है, इसीलिए आपका नाम देहरादून आपको देखने को मिलेगा जब आप ज्योग्राफी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपर गंगाटिक प्लेन्स के नीचे वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, सब हिमालयन क्लाइमेट, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, हिल्स भी है, रिवराइंस भी है, मार्शी लैंड दलदली भूमि भी है, ग्रासलैंड्स भी है, लार्ज लेक भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी मिलेगी। यहाँ पर जो दून वैली होती है वो आपके जो हिमालय का डिविजन होता है, तो लेसर हिमालय और शिवालिक के नीचे, शिवालिक नीचे वाला पार्ट होता है, उन दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है, बट इतना डिटेल में, ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद अपन चलते हैं रणथंभौर के बारे में। ठीक है सर, यूके एंड हिमाचल प्रदेश दोनों बहुत घूमा हुआ है सारे, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने काफी सही है। ठीक है, चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क पर, अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क पर, ठीक है, ताकि अपन नेशनल पार्क फटाफट से कवर कर पाए, काफी इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क न्यूज में है कम से कम उनको तो कवर कर पाए। देखो रणथंभौर नेशनल पार्क पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है ये नेशनल पार्क बनास और चंबल दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है। यहाँ पर दो रिवर आपको देखने को मिलेगी, बनास नदी और चंबल नदी, दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर आपको ये देखने को मिलेगा, बनास नदी के, और नॉर्थ में बनास रिवर है और साउथ में बेसिकली आपकी चंबल रिवर आपको देखने को मिलेगी, चंबल नदी, ठीक है, काफी फेमस है चंबल रिवर। ठीक है, तो ध्यान रखना रणथंभौर नेशनल पार्क की लोकेशन आपकी राजस्थान में है। ठीक है, रिवर बनास और चंबल के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है। यहाँ पर एक हिस्टोरिक फोर्ट है जिसका नाम है रणथंभौर फोर्ट, जो राजस्थान की हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट का नाम सुना होगा। और ध्यान रखना ये नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, 1973 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर सम्मिलित किया गया था, 1980 के अंदर ये बन गया था आपका नेशनल पार्क। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखेंगे यहाँ तक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? ओके, आप लोग अपना डिस्कशन बंद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, पहले सब लोग ध्यान रखना, रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में, आर से आर ध्यान रख लेना, आर से रणथंभौर और बेसिकली आर से ही आपका राजस्थान। ठीक है, रणथंभौर राजपूत से भी याद रख सकते हो क्योंकि राजपूतों की धरती रहा है राजस्थान। ठीक है, रिवर में आप याद रखोगे दो इंपॉर्टेंट रिवर, बनास नदी और चंबल नदी के कॉन्फ्लुएंस पर या संगम पर आपको देखने को मिलेगा रणथंभौर नेशनल पार्क। तीसरी चीज ध्यान रखना, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, 1973 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत सम्मिलित किया गया था, 1980 में ये आपका बन गया था नेशनल पार्क। अब इसकी ज्योग्राफी देखोगे यहां पर भी आपको ड्राई डेसिडियस, क्योंकि राजस्थान वाला पार्ट आ चुका है तो बेसिकली डेसिडियस में भी ड्राई पार्ट आपको देखने को मिलेगा, या बेसिकली ग्रासलैंड्स भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद यहां पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ सेंचुरीज भी आपको देखने को मिल सकती है। मैंने आपको बोला था कि रणथंभौर फोर्ट बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है राजपूत हिस्ट्री से, तो चौहान डायनेस्टी 10th सेंचुरी के अंदर
चौहान डायनेस्टी का ये काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट रहा है, और ये फोर्ट बेसिकली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है। ध्यान रखना, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो राजस्थान के फोर्ट्स को इंक्लूड किया था उसमें रणथंभौर का भी, जैसे आप देखोगे रणथंभौर का फोर्ट, चित्तौड़ का फोर्ट, जैसलमेर का फोर्ट, तो ध्यान रखना आमेर का फोर्ट, तो आपका जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रणथंभौर का फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बेसिकली अलग अलग टाइप की स्पेसीज आपको देखने को मिलेगी, बियर भी मिलेंगे, लेपोर्ड भी मिलेंगे, कैरकल, जेकेल, हाइना, सब टाइप की स्पेसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ध्यान रखना रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर कुछ बफर जोन के अंदर छोटी छोटी सेंचुरीज है, बट आपको उनका ध्यान नहीं रखना, आपको जनरल इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में, लोकेशन, रिवर के बारे में, टाइगर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है, नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट आपको ड्राई रेसिडुअल्स देखने को मिलेंगे, और बेसिकली जो रणथंभौर फोर्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में संबंधित है, जो चौहान डायनेस्टी से संबंधित है, 10th सेंचुरी से या 10वीं शताब्दी को लेकर, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, आप देख सकते हो दिस इज द रणथंभौर नेशनल पार्क, और यहीं पर आपको रणथंभौर फोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, रिवर मैंने आपको बता दिया, चंबल और बनास, कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूपीएससी ने, आप लोगों को ध्यान हो तो कल क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो भरतपुर में घाना पक्षी विहार है या जहाँ घाना पक्षी बर्ड सेंचुरी है, और बोला था कि ये बेसिकली चंबल और बनास के कॉन्फ्रेंस पर है, लेकिन वो नहीं है, आपका कौन सा नेशनल पार्क चंबल बनास पर है, आपका बेसिकली रणथंभौर है, तो ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है। तेजपाल ने बोला कि मैं यहाँ सब जगह गया हुआ हूँ, मेरा घर जयपुर के पास, इट्स गुड गुड, ठीक है। मेहरानगढ़ छोड़ दिया, मेहरानगढ़ आपका, यस मेहरानगढ़ भी बेसिकली आपका फोर्ट है, ठीक है, जोधपुर के अंदर आपको मेहरानगढ़ देखने को मिलेगा, वो भी बेसिकली इसी का पार्ट है, यस डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि पेरियार नेशनल पार्क, अपन क्या है पूरी की पूरी कंट्री को कवर कर रहे हैं, कभी राजस्थान घूम लेते हैं, कभी एमपी आपको घुमा देता हूं, कभी उत्तराखंड, अब नीचे साउथ में चलते हैं। साउथ में आप देखोगे पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको देखने को मिलेगा इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, जो केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट रिवर है, एक पेरियार और एक पंबा, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी पेरियार और पंबा, जो आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना, अगर आपने नाम सुना हो केरला के अंदर, आप देखोगे अलग अलग, सबसे नीचे आपको यहाँ पर कार्डमम हिल्स आपको देखने को मिलेगी, तो ये बेसिकली कार्डमम हिल्स के अंदर या जो पंडालम हिल्स के अंदर एरिया में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बारिश काफी अच्छी खासी होती है, इसीलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी देखने को मिलेंगे, और डेसिडियस भी जो मिलेंगे मॉइस्ट वाले, मॉइस्ट मतलब जहां पर बारिश अच्छी देखने को मिलेगी, ड्राई का मतलब जहां पर बेसिकली नमी नहीं है, ठीक है, ड्राई मतलब नमी खत्म हो जाती है, मॉइस्ट मतलब जहां पर मॉइस्चर देखने को मिलेगा। तो आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ इस नेशनल पार्क की, आप देखोगे ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, जो पेरियार नेशनल पार्क है ये आपको केरला के अंदर, ठीक है, केरला के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर काफी अच्छा आपको चाहे फॉरेस्ट को लेकर हो, एवरग्रीन भी मिलेंगे और बेसिकली आपको मॉइस्ट रेसिडुअल्स भी मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप फौना देखोगे, एशियन एलिफेंट तो मिलते ही मिलते, अगर आप साउथ में जाओगे एलिफेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, बंगाल टाइगर्स मिलेंगे, गोर प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, ये हिरण की अलग अलग है, सांभर मिल जाएगा आपको, ठीक है, इंडियन जियांट स्क्वायरल मतलब आपको गिलहरी भी यहाँ पर मिल जाएगी, तो ये सब स्पेसीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं सारी चीजें। फ्लोरा के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं आपको, और पार्क के अंदर जो स्पेशली प्लांटेशन क्रॉप मिलेगी, टी, कार्डमम मतलब आपकी इलायची और कॉफी, ठीक है, ये तीनों की तीनों प्लांटेशन क्रॉप्स इस पार्क के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब आपको इससे पता लगेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें उगाई जाती है, चाय, कॉफी और कार्डमम, आप लोगों को ये भी पता होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा कैसे लगा सकते हो, अगर कहीं पर चाय या कॉफी उगाई जा रही है मतलब वहां पर कम से कम आपको कितनी बारिश चाहिए, ठीक है, चाय और कॉफी के लिए आपको कम से कम 250 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश चाहिए होगी, तब जाकर वहां पर चाय या कॉफी उग सकती है, तो आपको डायरेक्टली अंदाजा लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर चाय कॉफी उगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एवरग्रीन टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेमी एवरग्रीन भी है और डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, यहाँ पर आप देखोगे रोजवुड, सैंडलवुड, मैंगोस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाना यहाँ पर, ठीक है, मैंने, ठीक है, किसी को कोई मसूरी घूम रहा है, कोई यहाँ पर उत्तराखंड घूम रहा है, अच्छा सारी दुनिया आज घूम लीजिए, सारा इंडिया घूम लीजिए, दुनिया तो नहीं, ठीक है, कम से कम नेशनल पार्क के बाहर नहीं आप सारी की सारी चीजें घूम पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पेरियार नेशनल पार्क के बारे में, रिवर्स पेरियार और पंबा, ठीक है,
आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस दोनों फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। केरला के अंदर है, कार्डमम हिल्स का रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बारिश अच्छी है तो चाय, कॉफी और कार्डमम आपको देखने को मिलेगी। अलग टाइप के फॉरेस्ट भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं अपन नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। अब थोड़ा कर्नाटका देख लेते हैं, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये नेशनल पार्क किसका पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। आप लोगों को ध्यान, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है, एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि जब नगर से बीएमडब्ल्यू निकली, ठीक है, जब नगर से बीएमडब्ल्यू, या ऐसे मैंने बताया था, जब बीएमडब्ल्यू नगर से निकली, ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जब बीएमडब्ल्यू नगर से निकली तो उसे देखने के लिए सब लोग क्या हो गए, साइलेंट हो गए, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब नीलगिरी पढ़ाया था, ध्यान है आप सब लोगों को, ठीक है। बी से आपका क्या था, बांदीपुर, और एम से क्या था, मुद्दूमलाई, डब्ल्यू से क्या था, वायनाड, नगर से क्या था, नागरहोल नेशनल पार्क, और साइलेंट से क्या था, साइलेंट वैली। और मैंने आपको बताया था ये चारों के चारों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ध्यान है आप सब लोगों को, ठीक है। बी से बांदीपुर नेशनल पार्क, एम से मुद्दीमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डब्ल्यू से वायनाथ हो गया, नगर से नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, और साइलेंट से साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारा का सारा नीलगिरी का पार्ट है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, नगर से क्या है, नागरहोल, इसीलिए लिखा है मैंने ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक से ज्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी इसी के आसपास वाले रीजन में, क्योंकि ये नीलगिरी से बिलोंग करता है, ठीक है। कुछ लोग भूल गए बट कुछ लोगों को याद है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सोचना, ठीक है। आज आप लोगों को देखा होगा एथिक्स में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपका सारा का सारा काम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगा, ये सिंपल सी चीज है, क्योंकि आपका ये पूरा का पूरा पार्ट आपका वेस्टर्न घाट के अंदर स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्क रेंजेस द फोटिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, एंड ये नीचे आपको केरला की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिवर में अंदर बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर, काबिनी रिवर का नाम ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है, काबिनी रिवर, और काबिनी पर ही बांध बना हुआ है, काबिनी रिजर्वायर, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। याद है, क्लियर है सब लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर बेसिकली फॉरेस्ट वही आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कर्नाटका वाला पार्ट है, कुछ जगह पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आ जाएंगे, दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। रोजवुड, क्योंकि आपको पता है MER, ठीक है, महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये तीनों के तीनों आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे एवरग्रीन टाइप के, थोड़े एवरग्रीन या डेसिडुअस टाइप के, मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप के, ठीक है, महोनी, एबोनी और रोजवुड, ठीक है, ये बेसिकली आपको एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद बेसिकली आपका सैंडलवुड वगैरह हो गया, ये सब बेसिकली आपके डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जेनू खुरबा ट्राइब और कोरगा ट्राइबल ग्रुप्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, ये बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली आसपास के रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये बेसिकली एडजॉइनिंग रीजन है, नागरहोल वाला और बांदीपुर वाला, ठीक है, ये कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गिर नेशनल पार्क, तो चलो अब आपको ले चलता हूँ गुजरात, ठीक है, गुजरात हमारा बचा हुआ था, गिर नेशनल पार्क। थोड़ा सा अब अपन एशियाटिक लायंस के बीच में चलते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर एशियाटिक लायंस का एकमात्र हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा, वो गिर नेशनल पार्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गिर नेशनल पार्क में ही आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं, उसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पार्ट आपका गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पहाड़ियां देखने को मिलेगी, गिरनार हिल्स आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर गिरनार हिल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भावनगर वाला पार्ट हो गया आपका, ये गिर नेशनल पार्क वाला आपका पार्ट हो गया। तो ध्यान रखना, गुजरात का जो ये वेस्टर्न हिस्सा है, ठीक है, इसके आसपास वाला रीजन आपको ये देखने को मिलेगा, जहां पर गिर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर बांदीपुर गई हुई हूँ, कुछ लोग बांदीपुर गए हुए हैं, ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था।
इट इज द ओनली रिमेनिंग होम फॉर द एशियाटिक लायंस. कई बार यूपीएससी आपको क्वेश्चन देगा कि जो गिर नेशनल पार्क है केवल और केवल एक ही एकमात्र ऐसा हैबिटेट है जहां पर एशियाटिक लायंस आपको देखने को मिलेंगी. तो हाँ जी बिल्कुल सही है, एशियाटिक लायंस सिर्फ आपको गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेंगे. मैंने आपको लोकेशन बता दी. कोई सोमनाथ गया, सोमनाथ का नाम सुना है आप लोगों ने, सोमनाथ के नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जूनागढ़ के पास आपको देखने को मिलेगा जहां पर गिरनार हिल्स या गिर हिल्स आपको देखने को मिलेगी. तो इसके आसपास सोमनाथ ठीक है और जूनागढ़ वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर भी आपको लेपोर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा. लेपोर्ड आपको भारत में बहुत सारी जगह मिलेगा, इसीलिए मैंने बोला था भारत के अंदर लेपोर्ड की पॉपुलेशन अभी जो रिपोर्ट आई थी 62% बड़ी है. इंडियन लेपोर्ड की पॉपुलेशन 62% बड़ी है और एमपी के अंदर काफी सारे आपको इंडियन लेपोर्ड देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट एमपी के अंदर ही देखने को मिलेंगे. तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में. नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर काफी सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेगी. यहाँ पर जैसे कि आपने नाम सुना होगा शेत्रुंजी रिवर काफी फेमस है गुजरात के अंदर. ठीक है, यहाँ पर दताड़दी रिवर, तो आप शेत्रुंजी का नाम याद रख सकते हो, ये काफी फेमस रिवर है जो गिर रीजन में आपको देखने को मिलती है. अभी आपको पता है सूखा रीजन है तो यहाँ पर टीक के पौधे मिल जाएंगे, तेंदू पत्ते आपको मिल जाएंगे, बेनियन ट्री बरगद के पेड़ आपको मिल जाएंगे. यहाँ पर बेसिकली आपको ड्राई रीजन देखने को मिलेगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती नहीं है, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. और बेसिकली ऊपर जाओगे आप रन ऑफ कच्छ की साइड तो वहां पर तो आपका पूरा का पूरा मरुस्थल आ जाएगा, रेगिस्तान आ जाएगा. तो ध्यान रखना यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, टीक के पेड़, तेंदू पत्ते, बरगद के पेड़, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अमन. उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में, ये भी आपका कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा. बांदीपुर अभी अपन ने देखा ही है. ठीक है, बांदीपुर बेसिकली आपको, बांदीपुर भी कर्नाटका में है और नागरहोल भी आपका कर्नाटका में है, ध्यान रखना है दोनों पास पास ही आपको देखने को मिलेंगे. और ये भी बेसिकली 1974 के अंदर टाइगर रिजर्व का पार्ट बना था. ठीक है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बस आपको पता होना चाहिए. कर्नाटका वाला रीजन है वहां पर थोड़े ड्राई डेसिडियस मिलेंगे, केरला के अंदर एवरग्रीन टाइप का मिलेगा, गुजरात है गुजरात के अंदर ड्राई डेसिडियस मिलेगा. ठीक है, और बेसिकली और भी अंदर जाओगे तो डेजर्ट वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा. तो बांदीपुर भी यही है. ठीक है, सिमिलर चीज नीलगिरी का पार्ट है क्योंकि बांदीपुर भी नीलगिरी का पार्ट है, बीएमडब्ल्यू को याद कर लेना. ठीक है, तो बांदीपुर भी इसका पार्ट है और बेसिकली नगर से नागरहोल भी इसी का पार्ट है, बहुत सिंपल है. ठीक है, याद रखने में दिक्कत नहीं रहेगी. यहाँ पर काबिनी रिवर मैंने अभी आपको बताई थी, काबिनी रिवर क्योंकि दोनों पास पास है तो काबिनी रिवर देखने को मिलेंगे. और मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द इंडिया में तो आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं. एवरग्रीन कहां पर मिलेंगे, सिंपल सी चीज है, केरला का ये वाला पार्ट जहां पर डायरेक्टली मॉनसून स्ट्राइक करता है यहां पर एवरग्रीन मिलते हैं. अंडमान निकोबार में एवरग्रीन आपको मिल जाएंगे और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एवरग्रीन मिल जाएंगे, उसके अलावा कहीं आपको एवरग्रीन नहीं मिलेंगे. एवरग्रीन बेसिकली केरला के कुछ पार्ट में, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला पार्ट और बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब उत्तर पूर्वी भारत जहां पर ज्यादा बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से ऊपर कम से कम बारिश आपको देखने को मिलेगी, वहीं पर आपको एवरग्रीन मिलेंगे, अदरवाइज एवरग्रीन नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है. ओके, तो यहाँ तक आप साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा. ठीक है, तो आप सब लोग बेसिकली नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, अभिषेक जैन सर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इनको मैं. ठीक है, या बेसिकली जहां पर भी आपको यहां से तो मिली जाएंगे, यहां से तो मैं आजकल मैं आप लोगों को डलवा दूंगा ताकि आप सब लोग बेसिकली इसको फटाफट से रीड करके जा सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया जनरेट यहां पर हो जाएगा. ठीक है, फ्लोरा का, फोना का क्या क्या चीजें मिलती है, सब चीजें मैंने एक साथ यहां पर क्लब करके दी है ताकि आप लोगों को एक हल्का आइडिया हो, तो ऑप्शंस को इजीली आप एलिमिनेट यहां पर कर दोगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका बांदीपुर नेशनल पार्क जो भी अपन ने देखा था. ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं भीतरकनिका. चलिए अब चलते हैं उड़ीसा में. ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न वाला पार्ट. ठीक है, भीतरकनिका आपको भारत में कहां पर देखने को मिलेगा, ईस्टर्न इंडिया के अंदर. ठीक है, कम से कम आपको ये तो ध्यान है कि भीतरकनिका कहां पर है. ठीक है, तो कम से कम लोकेशन, दूसरी चीज उसके आसपास की रिवर्स और उसका क्लाइमेट, कम से कम तीन चीजें ध्यान रखना, आपको नाम आ जाएगा. भीतरकनिका एक आपकी रामसर साइट भी है, ये रामसर के तहत आर्द्र भूमि में भी इसको जोड़ा गया है, रामसर के तहत आर्द्र भूमि स्टेटस भी इसको मिला हुआ है. क्या आपकी भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, और ध्यान रखना ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा चिल्का लेक के बाद. चिल्का लेक भी कहां पर है आपकी, उड़ीसा के अंदर. चिल्का लेक के बाद बेसिकली दूसरी रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा की. ठीक है, जो आपको भीतरकनिका देखने को मिलेगी, यहाँ पर ब्राह्मणी रिवर, बैतरणी रिवर, धमरा रिवर और पाठशाला, ये इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी. और ये जो बीच है गहीर माता बीच है, काफी फेमस बीच है,
अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आज जाकर सर्च करना उड़ीसा के इम्पोर्टेंट कोस्ट, आप देखना कि ऋषि कुल्या कोस्ट देखना, ऋषि कुल्या कोस्ट के नाम से होगा, ठीक है, ऋषि कुल्या कोस्ट आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा का, एक उड़ीसा का गहीर माता बीच आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को ध्यान हो तो ओलिव रिडले टर्टल की मास नेस्टिंग के लिए फेमस है, लाखों की संख्या में ओलिव रिडले टर्टल, जो ओलिव रिडले कछुआ होता है, लाखों की संख्या में, हजारों नहीं बोल रहा, लाखों की संख्या में यहाँ पर कछुए आते हैं और अपनी प्रजनन की क्रियाएं करते हैं। ऐसा लगेगा पूरा का पूरा कोस्ट, आज घर जाके इतना सा नेट पर सर्च करना गहीर माथा बीच और पीछे डाल देना ओलिव रिडले टर्टल, इमेजेस देखना, आपको लाखों की संख्या में कछुए गहीर माथा बीच पर अपनी प्रजनन की क्रियाएं करते हुए देखने को मिलेंगे, हजारों नहीं लाखों की संख्या में, ठीक है। तो काफी फेमस बीच है उड़ीसा का गहीर माथा और ऋषि कुल्या कोस्ट, जहां पर ये ओलिव रिडले टर्टल देखने को मिलेंगे, जिनका आयुषियन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। इसको लेकर भी काफी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ध्यान रखना। और ये सारी की सारी रिवर उसी रीजन में देखने को मिलेगी, ब्राह्मणी बैतरणी धमरा रिवर, ठीक है। राधिका बोल रही, सर आज आपने सारा इंडिया घुमा दिया, सुबह से कंटिन्यू क्लासे करके थक गई थी, आपने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, तो अच्छा हो गया आप लोगों के लिए, आप नॉर्थ भी चले गए, वेस्टर्न साइड भी चले गए, साउथ भी चले गए, ईस्ट भी चले गए, पूरा इंडिया आपने नपवा दिया। अभी नॉर्थ ईस्ट बाकी है, वो भी अभी आपको लेकर चलता हूँ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको जरूर लेकर चलूंगा, यस डेफिनेटली, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अभी अपन चलने वाले हैं, ताकि आप नॉर्थ ईस्ट भी कवर कर पाए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका रामसर साइट भी है, उड़ीसा की दूसरी रामसर साइट है, पहली आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी, कुछ बीचेस के नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिए, सब बीच है जो काफी फेमस है, ठीक है। यहाँ पर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलता है, ध्यान रखना, जो आपके खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ होते हैं ना, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ का फेमस स्पेसीज है, ठीक है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और यहाँ पर मैंग्रोव इकोसिस्टम भी देखने को मिलेगा, मैंग्रोव के अंदर जो वनस्पति आपको जल के अंदर सबमर्ज होती हुई देखने को मिलती है ना, आपने देखा होगा कि ये जो सारे की सारी वनस्पतियां हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर आपको सबमर्ज होती हुई देखने को मिलेगी, इस टाइप से आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये, ठीक है, ये इंसान बन गए मुझसे, ठीक है, बट आप ये देख सकते हो पूरे के पूरे इनकी जड़ें पानी के अंदर सबमर्ज आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और काफी लार्ज अमाउंट में, ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल कैलामिटी से प्रोटेक्शन देते हैं। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, यहाँ पर मैंग्रोव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफी फेमस इकोसिस्टम है, और वो आपको रामसर साइट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सर अंडमान निकोबार भी अपन डेफिनेटली चलेंगे, ठीक है, यस डेफिनेटली, बहुत चर्चा में रहा था आपका, ठीक है, आप लोगों ने सर्च कर लिया होगा, देखना काफी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को सर्च करके देखना, मैं अभी आज इमेज नहीं डाल पाया, अदरवाइज मैं डाल देता, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, यह है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो आपका मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगा, कहां पर है, भारत के मणिपुर राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क, इसको बोलते हैं द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक फेमस झील मिलती है इसी रीजन में, जिसका नाम है लोकटक झील, जो काफी फेमस झील है, और मैंने आपको बताया था ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी सम्मिलित है, भारत के अंदर दो ही वेटलैंड साइट है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर है, एक लोकटक झील और दूसरी आपका घाना पक्षी विहार, जो राजस्थान में भरतपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है, घाना बर्ड सेंचुरी जो आपको राजस्थान के भरतपुर में देखने को मिलेगी, ये दो ही वेटलैंड साइट्स है जो आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में देखने को मिलेगी, दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको बोला जाता है। यहाँ पर एक घास मिलती है जिसको बोलते हैं फुमडी, ठीक है, ये जो फुमडी है यहाँ की एक स्पेशल घास आपको देखने को मिलेगी, जो पानी के अंदर डूबी हुई आपको देखने को मिलेगी, फ्लोटिंग करती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर बारिश काफी अच्छी खासी होती है, इसलिए सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बारिश काफी अच्छी खासी होगी, मैंने आपको बताया पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर और केरला वाले पार्ट के अंदर या वेस्टर्न घाट वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, वहीं पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकते हैं, और बेसिकली यहाँ भी बारिश काफी अच्छी खासी है, तो यहाँ भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, काफी सारी जनजातियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप देख सकते हो, उसके बारे में ये आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, एक तरह से इसको बोलते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक फेमस आपको हिरण देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका नाम है सेंगई डियर, ठीक है, यहाँ पर एक फेमस हिरण आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है सेंगई डियर, ठीक है, यह इसको एक और नाम दिया जाता है ब्रो एंटलर्ड डियर, ठीक है,
रॉ एंटलर डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो सेंगई डियर के नाम से काफी फेमस है, सेंगई के नाम से ये काफी फेमस नाम है सेंगई डियर। उसका आयुसीएन स्टेटस क्या है आपका? एंडेंजर्ड। आयुसीएन स्टेटस क्या देखने को मिलेगा? एंडेंजर्ड, ठीक है। और इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो तीन नाम है, डांसिंग डियर, सेंगई डियर और ब्रो एंटलर डियर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र बोल रहे हैं अंडमान निकोबार भी चलिएगा, डेफिनेटली वहां भी अपन चलेंगे, अंडमान निकोबार भी अपन को चलना है, ठीक है। बट आज के सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में अपन अंडमान निकोबार भी डेफिनेटली चलेंगे, ठीक है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में भी नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीजें। यहाँ पर डियर की काफी फेमस स्पेसीज है जिसका नाम है सेंगई डियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो भी आपको बता दिया, सेंगई नाम लिख लेना, सेंगई या डांसिंग डियर, ये दो नाम तो कम से कम ध्यान रखना। और इसका आयुसीएन स्टेटस है आपका एंडेंजर्ड, ये भी काफी फेमस आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों के नाम आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो केबुल लामजा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद बेसिकली एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, बाकी नेशनल पार्क अपन कल चलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी अपन कल देखेंगे। तो एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, आज हमने क्या क्या सीखा है, कौन कौन से नेशनल पार्क देखे हैं, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको सिखाई थी, फटाफट से सब लोग सुनिएगा, प्रोटेक्टेड एरियाज से शुरुआत की थी। यहाँ पर आपको नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन, कम्युनिटी रिजर्व सब देखने को मिलेंगे। या आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है, मतलब सारा का सारा नेचुरल देखने को मिलेगा। लगभग 4.92% एरिया ये कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क के बारे में, और ध्यान रखना नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के द्वारा भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लगभग भारत में 105 नेशनल पार्क है, 1.23% एरिया कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले हेली बोला जाता था, अभी इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार के अंदर दोनों नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफी सारे नेशनल पार्क है, सबसे पहले काजीरंगा हमने कवर किया, आसाम के अंदर वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर देखने को मिलेगी और लार्जेस्ट ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, ठीक है। रिवर आपको ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगी, सोइल आपको एलिवेल सोइल आपको देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोकेशन आपको दिखाई थी, कान्हा नेशनल पार्क जो आपको एमपी में देखने को मिलेगा, बारहसिंगा के लिए काफी फेमस है, ठीक है। और ध्यान रखना ये एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, यहाँ की बेगा ट्राइब काफी फेमस है जो अर्ध घुमंतु प्रजाति में आती है। ये रीजन आपका सेंट्रल इंडिया का है, मतलब यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। नर्मदा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। बांधवगढ़ ऑल्सो एमपी में है, ठीक है। लेपोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी टाइगर की डेंसिटी काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, हाईएस्ट तो नहीं है बट वन ऑफ द हाईएस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको लोकेशन बताई थी, बांधवगढ़ एमपी के मध्य वाले भाग में, कान्हा नीचे वाले पार्ट में, पेच आपके नदन साइड में देखने को मिलेगा। उसके बाद जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड के अंदर है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये बेसिकली पहला नेशनल पार्क था जिसको सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सम्मिलित किया गया था। इस नेशनल पार्क के अंदर उत्तराखंड में होने की वजह से यहाँ पर सब टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिल्स भी मिलेगी, रिवराइंस भी मिलेगी, दलदली भूमिया भी मिलेगी, ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, सब हिमालयन टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दून्स भी मिलेंगे, जैसे देहरादून वगैरह बनते हैं, दून जो वैलीज वगैरह के माध्यम से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रणथंबोर राजस्थान में है, दो इंपॉर्टेंट रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, बनास और चंबल पर रणथंबोर फोर्ट काफी फेमस है। इसको भी बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में इंक्लूड किया था, 1980 में नेशनल पार्क बना। ये भी राजस्थान में, तो ड्राई डेसिडुअस वाला रीजन मिलता है, ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। रणथंबोर फोर्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है, चौहान डायनेस्टी से लिंक्ड है, जो 10th सेंचुरी से रिलेटेड है। उसके बाद हमने देखा पेरियार नेशनल पार्क जो केरला में है, ठीक है। यहाँ पर आपको केरला में है, मतलब आपको मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कार्डमम हिल्स के आसपास का रीजन था, बारिश अच्छी है, मतलब चाय कॉफी और इलायची देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर नागरहोल नेशनल पार्क और इसके बाद पढ़ने वाले अपन बांदीपुर, दोनों के दोनों आपके कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेंगे। और दोनों के दोनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेंगे। काबिनी रिवर काफी फेमस रिवर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया, ठीक है, गिर नेशनल पार्क काफी फेमस है, केवल और केवल अगर पूरे वर्ल्ड में आपको एशियाटिक लायंस देखने हैं तो आपको गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, सोमनाथ और जूनागढ़ के नियर बाई रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। शत्रुंजी रिवर यहाँ पर काफी फेमस है, गुजरात में है, मतलब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन देखने को मिलेगा। बांदीपुर सेम चीज जो मैंने
आपको बताई थी नीलगिरी को लेकर, ठीक है। भितरकनिका उड़ीसा में अपन गए, रामसर साइट है, उड़ीसा की दूसरी रामसर साइट है। दो इंपॉर्टेंट बीच गहीरमाथा ऋषिकुल्या देखने को मिलेंगे और ब्राह्मणी बैतरणी रिवर्स काफी फेमस देखने को मिलेगी। मैंग्रोव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। केबुल लामजा और लास्ट में अपन ने देखा था दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, लोकटक झील के किनारे देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में अपन चले गए, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सेंगे डियर काफी फेमस है, लोकटक झील काफी फेमस है, सेंगे डियर का आयुषन स्टेटस एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज पीपीटी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज माई रेफरल कोड जिसको आप यूज कर सकते हैं अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। 8:45 पर वापस क्लास होगी, डीपीएसपी वाला पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोगों को शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग सेशन को देख पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों को सारी चीजें पसंद आई होगी जो अपन ने यहाँ पर कवरेज किया। नोट्स में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, नोट्स आप देख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आज